हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपको सॉफ्ट और स्पंजी इडली किस तरह और कैसे बनाई जाती है, जो बहुत ही ईजी तरीके से बनती है। तो ये मैंने रेडीमेड इसका पाउडर लिया हुआ है, आप चाहो तो इसे सूजी से घर पे भी बना सकते हो। तो देखिए, इसी पैकेट के पाउडर से मैं आपको इडली बनाकर दिखाऊंगी। इसमें पहले से ही सब कुछ मिक्स आता है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या मिक्स है। देखिए, इसमें काजू, बादाम और चने की दाल मिक्स होती हैं, जो पहले से ही इसमें सभी मसालों का ऐड होता है। सिर्फ आपको इसमें डालना होती है दही। तो देखिए, मैंने बड़ा चम्मच इसमें दही ले ली है। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको दही खट्टी ही लेनी है, तभी आपकी इडली स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। तो देखिए, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स, ये इडली मैं स्टफिंग वाली इडली बनाकर दिखाऊंगी, जिसमें कि आपको सांभर की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको खट्टी दही का ही यूज़ करना है। जब आप खट्टी दही लेंगे, तभी आपकी इडली सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी और काफ़ी खाने में स्वाद भी लगेगी। तो मैंने इसमें हाफ कटोरी दही डाल ली है और अब मैं इसमें डालूँगी पानी और इसका अच्छे से आपको पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें मसाले, नमक सभी पहले से ही ऐड हैं। इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो हमारे पास बचा हुआ पाउडर था, वो भी मैंने इसी में मिक्स कर लिया है और फिर से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने एक तरफ कटोरी में रख लिया था। तो आप देख सकते हैं, यह पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ी सी दही और डाल लेती हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है। और सूजी, आपको जैसे कि पता है कि सूजी फूलती है, इस प्रकार मैं अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे रख देती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें सांभर की ज़रूरत नहीं होगी। और अंदर की मैं स्टफिंग अलग बनाऊँगी, वो मैं आलू से बनाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने इंडेक्स पर कढ़ाई रख ली है और अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा तेल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, ताकि हमारा अगर तेल कच्चा रह जाए तो उसमें से कच्चे वाली स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी हाफ टी स्पून राई, करी पत्ता और अब इसमें डालेंगे प्याज। तो देखिए, अब मैं इसे अच्छे से राई के साथ आप करी पत्ता और ऑनियंस डाल दीजिएगा, वरना यह राई काफ़ी चटकने लग जाती हैं। ये डालने के बाद ये है बहुत कम चटकती हैं। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया हुआ है गरम मसाला। अब अच्छे से हम अपने मसालों को पका लेते हैं और थोड़ी सी इसमें डालते हैं कसूरी मेथी। तो देखिए, हमारे धीरे धीरे मसाले पक रहे हैं। तो देखिए, हमारे ऑनियंस हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। आपको इन्हें ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि जो इसका कच्चेपन का स्वाद जो इसमें आता है इडली में, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये मैंने 3 से 4 बॉयल्ड आलू लिए हुए हैं, अब इन्हें भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक और ये बारीक कटा हुआ धनिया, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अगर ये स्टफिंग आप थोड़ी चटपटी खाना चाहो, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च डाल सकते हो। मैं इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब इसमें डालूंगी मैं लेमन। ये मैंने नींबू लिया हुआ है, से खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारी पेस्ट में। तो ये मैंने हाफ लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया है, ये हाफ लेमन मैंने इसमें निचोड़ दिया है। तो अब हम अपने पेस्ट को एक साइड में रख देंगे और अब सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स, फिर से हम अपने पेस्ट की ओर आ जाते हैं। देखिए, हमारा पेस्ट काफ़ी फूल चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें थोड़ी सी इसे खट्टा रखने के लिए मिलाएंगे लस्सी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा था, मैंने दही इसमें पहले से ही ऐड कर दी थी। हमारी दही थोड़ी कम खट्टी थी, इसलिए मैं इसमें अब लस्सी मिला रही हूँ। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी हो तो आप इसमें पानी का यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, मैंने इसमें लस्सी मिला दी है, अब इसे अच्छे से आप मिला लोगे ताकि आपका पेस्ट। तो देखिए, आप देख सकते हो हमारी सूजी फूल चुकी है। तो आपको अपना पेस्ट इसी प्रकार का बना लेना है। अब हम अपने एक तरफ इडली के पैन ले लेते हैं, आप देख सकते हो। तो जब तक हम अपना इडली का जो कुकर है उसमें पानी डाल के रख देते हैं। और अब आपको सबसे पहले इन्हें चिकना करना है। चिकना करने के लिए आप घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो
तो देखिए सबसे पहले मैं अपने सभी को हम चिकना कर लेंगे ताकि हमारी इडली नीचे की तरफ चिपके नहीं, तो नीचे की तरफ हमारी इडली ताकि चिपके नहीं। मैं इसे सभी को चिकना कर ले लूँ सेट कर लेती हूँ इडली स्टैंड को। तो देखिए हमने सभी को चिकना कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना इडली का बैटर। तो सबसे पहले मैं इसमें बैटर डालती हूँ। हमने इसमें बैटर डाल दिया है और बीच में थोड़ी सी हम इसमें जगह खाली छोड़ेंगे ताकि हमने जो आलू का पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल दें। तो आलू की हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। इस प्रकार अपने आलू को इसके अंदर दबा देंगे और हल्का सा पेस्ट इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरे में भी इसी तरह पेस्ट डाल लिया है और फिर से अपने आलू की टिक्की बना रही हूँ छोटी सी, और उस टिक्की को बीच में इसमें रख दिया है। सभी को मैं इसी प्रकार इसमें बीच में रखती रहूँगी। टिक्की को आपको ऊँची नहीं बनाना है, बिल्कुल छोटी सी बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी आलू की टिक्कियाँ बना ली हैं। ये थोड़ी प्रेस कर दी हैं ताकि हमारी इडली में रखने में आसानी हो। तो अब हम लेंगे अपना इडली स्टैंड। देखिए मैंने इडली स्टैंड ले लिया है और इसे हम हल्का सा चिकना कर लेंगे। चारों तरफ से आपको चिकना ज़रूर करना है ताकि आपकी जब आप इडली निकालो इसमें से आसानी से इडली निकल जाए। सभी को हमने चिकना कर लिया है। तो देखिए अब हम इसमें धीरे धीरे बैटर डालेंगे। बैटर आपको बिल्कुल कम डालना है। तो इस प्रकार देखिए मैंने बिल्कुल कम बैटर डाला है। इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर अब हम जो आलू की हमने टिक्की बनाई थी वो इसके ऊपर रख लेंगे और प्रेस कर देंगे। तो देखिए अब इसे भी प्रेस करेंगे। हमने जितनी भी टिक्कियाँ बनाई हैं धीरे धीरे इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करना है आपको। और अब ऊपर से हम इसके ऊपर अपना पेस्ट रख देंगे। तो इस प्रकार हम इसे चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करके अच्छे से दबा लेंगे। आप देख सकते हो हमारा इडली स्टैंड बिल्कुल, आपको इतना ही करना है क्योंकि ये फूलने के बाद और भी ऊपर की तरफ आती हैं। अब हम दूसरे में भी खाँचे में भी इसी तरह इडली का बैटर रखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए इसी में हमने सभी को रख लिया है और ऊपर से हम हल्का हल्का बैटर फिर से फैला देंगे। तो इसी तरह आपको सभी इडली के स्टैंड में इसी तरह अपना बैटर रखना है, आलू की टिक्की रखनी है और ऊपर से इसे फैला देना है। आपकी इडली बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी इडली के स्टैंड को इनके ऊपर रख दिया है और ऊपर से हम ढकना लगा देंगे और 10 से 5 मिनट के लिए इन्हें लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने गैस पर रख लिया था। देखिए इसमें से कितनी भाप निकल रही है, आप देख सकते हो। और अब आपको चेक करनी है कि आपकी इडली पकी हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम लेंगे एक चाकू की सहायता और चाकू को अंदर इस प्रकार डिप करके देखेंगे। आपके चाकू पर इडली नहीं लगी हुई है, इसका मतलब आपकी इडली पक चुकी है। तो इसे निकालना भी बहुत ही ईजी होता है। अभी ये थोड़ी गर्म है, थोड़ी ठंडी होने के बाद बहुत जल्दी निकलती है। वैसे तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो। देखिए यह नॉर्मली निकल जाती है पकने के बाद। तो अब मैं अपने स्टैंड को निकाल लूँगी इसमें से ताकि हमारी इडली ठंडी हो जाए, और इसे एक साइड में रख देंगे। उसको अलग अलग निकाल के हम रख लेंगे। देखिए मैं आपको सभी दिखा रही हूँ। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए एक एक करके मैं इसी प्रकार ही निकाल लूँगी। चारों तरफ से आपको हल्का सा चाकू लगाना है और इसे इस प्रकार निकाल लेना है। हमारी इडली काफ़ी स्पंजी और काफ़ी बढ़िया बनी हुई है। अभी ये थोड़ी गर्म है, मैं इस प्रकार इन्हें प्लेट में रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने सभी इडलियों को निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और कमाल की बात तो यह है कि यह मसालेदार इडली बनकर तैयार हुई है। मैं इनमें से एक इडली आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितनी बढ़िया बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें इसे सर्व करूँगी। मैंने आज दाल बना रखी थी तो मैं इसे दाल के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप इसे सांभर के साथ भी खा सकते हो, लेकिन मैंने ये स्टफिंग इडली बनाई है इसलिए मैं इसे दाल के साथ सर्व कर रही हूँ। दाल के साथ भी हमारी इडली काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। और इसमें हम डालेंगे दही।
ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा। अब एक एक इडली हम इसमें रख लेंगी। हमारी इडली काफ़ी स्पॉन्जी बनी हुई है, यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगेगी। इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद हो तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो। हमारी इडलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनमें से मैं एक इडली आपको कट करके दिखा देती हूँ, अंदर से किस प्रकार की स्टफिंग बनी हुई है देखिए, दिखने में भी कितनी बढ़िया दिख रही है और काफ़ी स्पॉन्जी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।